दोस्तों भारतीय टीम को मिल गया कैरिबियाई खिलाड़ी क्रिस गेल का भी बाप। इस खिलाड़ी ने मैच इतनी गेंदों में ठोक डाला, दोहरा शतक और एक क्रिकेट इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं इस बैंकर खिलाड़ी की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, जबकि महाराष्ट्र की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने सभी गेंदबाजों के परखच्चे सोड़ा कर रख दिए और मैच 159 गेंदों का सामना करने के बाद 220 रन की नाबाद पारी खेल डाली, जिसमें 10 चौके और 16 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे, जिस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों में 7 छक्के लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। मगर दोस्तों महाराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया यूपी के सामने, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और महाराष्ट्र के गेंदबाजों ने उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और इस तरीके से बड़ी आसानी से महाराष्ट्र की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए या फिर नहीं।